मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लाई हूँ, नया सिलेबस जो कि इस साल के लिए सत्र 2020-21 के लिए सरकार ने जारी किया, डिपार्टमेंट ने जारी किया। उसमें से कुछ चैप्टर्स हटाए हैं और बाकी जो सारा टॉपिक्स है मैंने कुछ हिस्सा बोर्ड पे लिख रखा है, कुछ मेरे साथ पेपर पे है। तो मैं पढ़ा, आप अपनी बुक खोलिए, पहले तो मैं जो चैप्टर्स हटाए गए हैं वो आपको मार्क करवा देती हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरा समझा देती हूँ कि कौन सा सवाल कितने नंबर का आएगा और पूरा पेपर कितने मार्क्स का आएगा। तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आप अपनी बुक्स खोलिए, जिसमें से आपकी जो पहले बुक है गोल्डन रेस, उसमें से चार तो चैप्टर हटे और एक पोयम हटी है। चैप्टर नंबर 2 ऑन वॉयलेंस, चैप्टर नंबर 5 अ हीरो, चैप्टर नंबर 7 लेडी टाइगर, लेडी और द टाइगर, फिर चैप्टर नंबर 11 द बिट्रेल ऑफ फेथ, और उसके बाद जो पोयम हटी है वो है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। अब इनमें से जो तीन पोयम बच रही है आपकी बुक की, वो तीनों पोयम्स मैंने मेरे इस चैनल पे करवा रखी है, डिटेल में करवा रखी है। आप उसको देखना चाहें तो वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल को एक बार जरूर देखिए। इसमें प्लेलिस्ट है क्लास 10th की, उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th का लगभग सारा मैटर मिल जाएगा। फिर आपकी बुक नंबर 2 है रेजोल्यूशन, उसमें से भी चार चैप्टर हटे हैं। चैप्टर नंबर 3 ग्रोइंग अप पेंस, चैप्टर नंबर 5 द पर्पल जार, चैप्टर नंबर 7 द मैन हु न्यू टू मच, और चैप्टर नंबर 10 हाय महाराजा। ये चार चैप्टर, ये जो कोर्स कंटेंट है वो सिर्फ इस सत्र के लिए है। और बच्चों थोड़ी सी मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार क्या है कि पढ़ाई इतनी ज्यादा सीरियस नहीं हो पाई है, तो शायद संभावना, हम संभावना जता रहे हैं कि पेपर ईजी रहे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। अब मेरे पास पूरी ये आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है उसकी एग्जामिनेशन स्कीम है, कौन से सवाल कितने नंबर के आएंगे ये पूरा डिटेल हम देख लेते हैं। तो और ये जो एग्जामिनेशन स्कीम है ये सिर्फ 2020-21 के लिए है, जब आप 10th में हैं। तो रिवाइज सिलेबस है, 100 नंबर का आपका पूरा पेपर है, जिसमें 20 नंबर आपके सेशनल के स्कूल की तरफ से जाते हैं। ये प्राइवेट बच्चों को फायदा नहीं है, ये सिर्फ रेगुलर बच्चों को फायदा है जो स्कूल में एनरोल्ड है, कि उनके 20 नंबर टीचर्स भेजते हैं उनकी पूरे साल की मेहनत के बेस पे। और 80 नंबर का थ्योरी पेपर होता है, 3.25 घंटे का पेपर है। अब वो 80 नंबर जो है वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। ये आपके चार सेक्शन होंगे, चार सेक्शन में पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, जो है 14 मार्क्स का, जिसमें 2 पैसेज रहेंगे अनसीन पैसेज है, जो 7-7 नंबर के 2 पैसेज रहेंगे। फिर राइटिंग सेक्शन है, ये भी 14 मार्क्स का है, जिसमें ये वाला पार्ट मैंने अब आपको बताना है। तो हमारा जो पार्ट नंबर 2 है राइटिंग सेक्शन, 14 मार्क्स का है, जिसमें 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 5, 4 और 5 नंबर के। पहला क्वेश्चन रहेगा लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग में आपको चॉइस मिलेगी, एक तो लेटर रहेगा इनफॉर्मल लेटर और एक आपके रहेगा ईमेल। इनफॉर्मल लेटर मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही करवाया है, जिसमें आपको लेटर टू फ्रेंड फैमिली मेंबर या लेटर टू फादर करना है। और एक ईमेल आएगा, अभी मैं करवा दूंगी इसके जस्ट बाद, जिसमें आपको ईमेल टू या तो आपके प्रिंसिपल, मतलब एक तरह से ईमेल होता है फॉर्मल लेटर। वैसे मैंने साइट पे 2-3 ईमेल करवा रखे हैं, फिर भी मैं अभी करवा दूंगी, जिसमें ईमेल टू प्रिंसिपल, जिसमें आप उनसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, फिर ईमेल टू एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर या मैगजीन, किसी पब्लिक इश्यू पर बात करते हैं। उसके बाद आएगा, ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद है राइटिंग शॉर्ट पैसेज, लगभग 60 वर्ड्स में, यानी कि 6-7 लाइन में आपको टॉपिक दिया होगा या उसकी आउटलाइन दी होगी, 4 नंबर का ये रहेगा। फिर एक कंपोजिशन, वर्बल या विजुअल इनपुट, या तो कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, हिंट दिए होंगे, या कोई चित्र वगैरह दिया होगा, जिसपे कि आपको 75 वर्ड्स में कुछ लिखना रहेगा। ये भी मैंने टॉपिक साइट पे करवा रखा है, आप चाहे तो डिटेल लेके बाकी हम क्लासेस में एक एक करके करते रहेंगे। ये आपके 5 मार्क्स का रहेगा। अब तीसरा सेक्शन
ग्रामर है, ग्रामर का सेक्शन जो आपके 15 मार्क्स की ग्रामर है उसमें चारों टेंसेस आएंगे 5 नंबर के। ये ग्रामर कैसे आएगी, फिलअप्स आएंगे या सेंटेंस अरेंज करने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव, वो सब सेंटेंसेस चेंज करने हैं। तो टेंसेस की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपसे भरवाई जा सकती है 5 नंबर के चारों टेंस है। फिर है एक्टिव पैसिव, 4 नंबर के एक्टिव पैसिव, ये भी मैं करा चुकी हूँ। तीनों चीजें मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, मॉडल्स की 3 क्लास में ले चुकी हूँ, जो आपके कोर्स में वो मैं ले चुकी हूँ। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके 4 नंबर के रहेंगे। अब मॉडल्स में 5 तरह के मॉडल आएंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं पर 5 रहेंगे। 5 आपके रहेंगे कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके 15 नंबर का ग्रामर रहेगा। उसके बाद आती है दोनों बुक्स। बुक्स में ये मेन कोर्स बुक में से है, गोल्डन रेज में से, जो आपके टोटल दोनों बुक्स मिला के 33 नंबर की है। और ये आपके 23 मार्क्स की बुक रहेगी, ये आपके 10 मार्क्स की बुक नंबर 2 है। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने देखिए आगे नंबर लिख रखे, ये क्या है। तो 14 नंबर की पहली बुक है जो आपके प्रोज चैप्टर्स है वो, और 10 नंबर 9 नंबर की आपकी रहेगी पोइट्री। अब प्रोज में से कैसे क्वेश्चन आएंगे, 2 तो आपके इसमें पैसेज रहेंगे 8 नंबर के, ये 8 नंबर यानी कि पैसेज रहेंगे, 4-4 नंबर के 2 पैसेज आएंगे। उसके बाद आपके रहता है 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो 6 नंबर ये हो गए, 3-3 नंबर के 2 बड़े क्वेश्चन और 8 नंबर के 2 पैसेज, ठीक है। ये आएगा आपकी बुक के जो प्रोज सेक्शन है, चैप्टर्स है। फिर है पोइट्री, पोइट्री आपके 9 नंबर की है जिसमें 1 out of 2 रेफरेंस, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 4 लाइनें दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा सब प्रसंग क्या क्या आती है हिंदी में, बिल्कुल वही इंग्लिश में आएगी, जिसमें आपको उस 4 लाइनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये पोएम किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है, कहाँ है और इस पोएम में क्या है, फिर उन 4 लाइनों में क्या है, ये हम बाद में अलग से देखेंगे। तीनों पोएम्स में पढ़ा चुकी हूँ डिटेल, लेकिन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे करते हैं ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद एक आपके आएगा 2 out of 3 शॉर्ट आंसर्स, 2.5-2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 30-40 शब्दों का आंसर देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपके 9 नंबर की पोइट्री है, तो ये बुक आपकी 24 नंबर, 23 नंबर की ये बुक है। फिर आती दूसरी वाली बुक रेजोल्यूशन, ये 10 नंबर की है। अब इस 10 नंबर में आपके एक बड़ा सवाल आएगा, किसी भी कैरेक्टर का कोई चरित्र चित्रण या किसी लॉजिकल, 5 नंबर का एक सवाल है, फिर 3 नंबर का एक सवाल है और उसके बाद 2 नंबर का एक सवाल है। 10 नंबर की आपकी ये किताब है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, रोड सेफ्टी एजुकेशन, जो 4 नंबर का एक ही, या तो पोस्टर बनाना आ सकता है या कोई पैराग्राफ लिखना आ सकता है या कोई एक क्वेश्चन आएगा कि आपको रोड सेफ्टी के रूल समझाने हैं या कुछ इस तरह की चीजें आएंगी। तो इस तरीके से ये आपका पूरा 80 नंबर का पेपर है और आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। क्यों, क्योंकि इस ये जो चेंज है वो सिर्फ इस साल के लिए है। ओके बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद मी, अब हम अगली क्लास में ईमेल राइटिंग करेंगे।